जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फोरी में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है SSC की तरफ से। SSC ने आज एक अपडेट किया है, एक PDF जारी किया है, जिसमें फ्रेंड्स कुछ रूल चेंज किए हैं। ये रूल चेंज नहीं किए फ्रेंड्स, कुछ रूल बनाए हैं एग्जाम को लेकर। क्या रूल है इसकी पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप करके देने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप SSC की कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, वरना फ्रेंड्स आपको दिक्कत हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर पे या एग्ज़ाम देने के बाद। तो चलिए, क्या रूल बनाया गया इसकी पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप करके देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, SSC के ऑफिशियल अपडेट देखने के लिए या PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको SSC के ऑफिशियल पेज पे आ जाना होगा। जैसे ssc.nic.in लिखकर सर्च करें गूगल पे, आप इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे या लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस पेज पे आने के बाद आपको आ जाना होगा नीचे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट न्यूज़ में आज ही का अपडेट किया गया 18 अगस्त 2021 अभी किया गया है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस आपके लिए बताया जा रहा है, माल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन को लेकर ये नोटिस जारी किया गया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने एक PDF डाउनलोड कर ओपन होगा और आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख पाएंगे, इंपॉर्टेंट नोटिस माल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द कमीशन, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे फ्रेंड्स, कुछ रूल यहाँ पे बनाए गए हैं SSC के द्वारा। क्या रूल है मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये इन्होंने एक यहाँ पे रूल बनाया है कि जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहे थे एग्ज़ाम सेंटर पे, वो क्या कर रहे थे कि जो भी क्वेश्चन था उसको कहीं नोट करके किसी सादे पेपर पे या ऐसे भी नोट करके वो आकर बाहर बता देते थे। जो एग्ज़ाम देने जाना था, जो दूसरे दिन जिस कैंडिडेट का एग्ज़ाम था उनको बता देते थे, जिनको बहुत सारा हेल्प मिलता था। और जिसका फर्स्ट डे एग्ज़ाम होता था उनको पता नहीं चलता था किस पैटर्न पे अब पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, जो पहले दिन एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, वो जिनको दूसरा दिन एग्ज़ाम है वो बता देते हैं उन लोगों को जिनका दूसरा दिन एग्ज़ाम है, जिसके वजह से बहुत सारे हेल्प उनको मिलती है। और ये क्वेश्चन कुछ नोट करके बता दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत लड़कों को दिक्कत हो रहा था। जो पहला दिन है जिनका एग्ज़ाम होता था उनको तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, जिनको पता नहीं चलता था क्या पैटर्न है, क्या कहाँ से पूछा जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही वो एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं पहले दिन वाले, वो दूसरे दिन जिनका एग्ज़ाम है या दूसरे शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है उनको बता देते हैं नोट करके कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, कोई भी SSC का जो एग्ज़ाम होता था तो फर्स्ट डे जब एग्ज़ाम होता था उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता था, सेकेंड और थर्ड डे और आगे जो भी एग्ज़ाम होता था उनको कोई दिक्कत नहीं होता था, और उनको क्योंकि पता चल जाता था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको लेकर SSC ने ये बड़ा कदम उठाया है और बहुत अच्छी अपडेट निकल के आ रही है आप सभी के लिए। तो ये इस PDF का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके आप पढ़ भी पाएंगे। और अगर ऐसे करते पकड़े जाते हैं तो फ्रेंड्स आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। तो इतना बताना था आपको इस वीडियो में। वीडियो का असल में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।